इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी संवैधानिक स्थिति और इसके द्वारा लिए गए निर्णयों की आज समीक्षा करेंगे, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनजीटी के आने के बाद हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर क्या असर पड़ा है और आने वाले समय में ये कैसे कार्य करेगा। इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टी एंड इडियो को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली जो है आप न्यूज़पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली मैगजीन मिलेगी योजना और कुरुक्षेत्र की, क्लास की सारी अपडेट और पीडीएफ फाइल आपको उस पर मिल जाएगी। तो अगर बात करें एनजीटी की तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। एनजीटी जो है 18 अक्टूबर 2010 को ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत ये स्थापित किया गया था और ये भारत की एक विशेष जो है स्पेशलाइज जो है इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल है और दुनिया का यह तीसरा और विकासशील देशों का पहला ऐसा देश है भारत जिसने ये ट्रिब्यूनल स्थापित किया विशेषता पर्यावरण के लिए। इसके पहले की बात करें तो अन्य देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ही ऐसे निकाय की स्थापना की है। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनका निपटारा करने में तेजी आए, यानी देश में इन्वायरमेंट से रिलेटेड यानी कोई प्रोजेक्ट है उसको क्लियरेंस के लिए अगर अनुमति चाहिए तो मुद्दा कोई है तो कोर्ट में जाता है, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो उसके भार को कम करने के लिए जो है ये एनजीटी बनाया गया। इसके अलावा बात करेंगे तो एनजीटी का मुख्यालय जो है दिल्ली में है और चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में। और जो एनजीटी है उसके अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास कोई भी मामला अगर आता है जो इन्वायरमेंट से संबंधित है यानी पर्यावरण से संबंधित ही मुद्दे उसके पास आएंगे उसका निपटारा 6 महीने के भीतर उसको करना होगा किसी भी हालत में। अगर एनजीटी की संरचना की बात करें तो एनजीटी का जो अध्यक्ष होता है उसके साथ एक न्यायिक सदस्य भी होता है और विशेषज्ञ सदस्य भी शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है 3 वर्ष के लिए की जाती है, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की जाती है जो भी पहले हो, या तो वो 3 वर्ष की अवधि पूरी कर लें जो 3 सदस्य हैं या तो वो 65 वर्ष की आयु पार कर लें तो वो उनकी ये अवधि है। लेकिन एक खास बात यह है कि एनजीटी की कि इसमें जो नियुक्त होने वाले सदस्य हैं उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, यानी जो एक बार अध्यक्ष बन गया और उसका सदस्य बन गया उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य जो उसमें शामिल होते हैं उनकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है, उसके आधार पर जो है उनकी नियुक्ति की जाती है। और एनजीटी की संरचना में यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 जो है पूर्णकालिक जो है न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य हों, तो ये इसके कंपलसरी रूल है। अब एनजीटी अगर शक्तियों की बात करेंगे और अधिकार क्षेत्र की बात करेंगे तो ये ट्रिब्यूनल इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो बेहद विस्तृत है, यानी बहुत बड़े एरिया को वो कवर करता है। एनजीटी उन सभी मामलों की सुनवाई करता है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित है, यानी पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी इसमें शामिल है। अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीटी को एक विशिष्ट मंच के रूप में घोषित किया और अपने निर्णय में कहा कि वह देश भर में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए वह सुमोटो यानी स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियों से संपन्न है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को और उसकी भूमिका को केवल न्याय निर्णय तक सीमित न रखकर ट्रिब्यूनल को कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती हैं जो प्रकृति के निवारक के रूप में और इन्वायरमेंट को सुधार करने के रूप में या उपचार करने में काम आ सकती हैं। इसके अलावा एनजीटी की बात करें तो यह एक वैधानिक निकाय है यानी स्टेचुरी बॉडी है और उसके पास केवल जो है अपीली क्षेत्राधिकार है जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है, दंड भी लगाता है, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे।
लेकिन अगर बात करें एनजीटी की तो वो जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो होता है 1908 के उल्लेखित जो न्यायिक प्रक्रिया का पालन जो है एनजीटी उसके लिए बाध्य नहीं होता है। इसके अलावा बात करें तो किसी भी आदेश निर्णय जो भी एनजीटी देता है वो आवश्यक है कि एनजीटी उस पर जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि से सिद्धांत को लागू करे, यानी एनजीटी अगर कोई निर्णय दे रहा है तो यह आवश्यक है कि वह अपने निर्णय में क्या क्या ध्यान रखे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक और जो प्रदूषक भुगतान है इन सबसे रिलेटेड जो भी सिद्धांत है उनको लागू करें। ट्रिब्यूनल के अपने आदेशानुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के जो पीड़ित हैं उनकी क्षतिपूर्ति प्रदान करा सकता है और क्षतिग्रस्त जो परिसंपत्तियां हैं उनकी बहाली अथवा उनका पुनर्निर्माण करवा सकता है। ये एनजीटी की पावर है। इसके अलावा बात करें एनजीटी द्वारा जो आदेश और निर्णय दिए जाते हैं उनका निष्पादन कराने के लिए न्यायालय के आदेश के रूप में कार्य करना होता है। एनजीटी जो है अपने नियमों का पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान करता है। दंड में क्या क्या हो सकता है? दंड में आपको जेल भी हो सकता है अधिकतम 3 वर्ष तक, और अगर आर्थिक दंड की बात करें 10 करोड़ रुपए तक वो आर्थिक दंड बढ़ाया जा सकता है, कारावास और आर्थिक दंड दोनों हो सकता है। इसके अलावा बात करें एनजीटी द्वारा जो आदेश और निर्णय लिए जाते हैं उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर कोई भी जिसके विरुद्ध निर्णय लिया गया वो सुनवाई के लिए जा सकता है, यानी अपील कर सकता है। अगर एनजीटी की बात करें तो एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, यानी जल प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये 2 बार हो गया है, जैव विविधता अधिनियम 2002। इस पे आप सन को भी याद रख सकते हैं, कई कुछ कई एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस सन में आया, जो वन डे एग्जाम होते हैं। इन सभी कानूनों के द्वारा क्या करता है, सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, यानी इन 7 कानूनों को मिलाकर 6 कानूनों को मिलाकर जो है एनजीटी इसके तहत अपनी सुनवाई करता है अगर कोई चुनौती दी गई है। अब एनजीटी के महत्व को समझेंगे। अगर एनजीटी की बनने के बाद की बात करें तो एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जंगलों की कटाई हो और अवशिष्ट प्रबंधन या शहरी अवशिष्ट प्रबंधन से लेकर उसके सख्त आदेश आज तक आए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की स्थापित करके एक नई दिशा प्रदान की है। इससे उच्च न्यायालयों पर जो अतिरिक्त भार पड़ता था, यानी स्पेसिफिक अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई मामला उच्च न्यायालय पर जाता था तो वो एक तो वैसे ही पेंडिंग केस है उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी, तो ये स्पेसिफिक मामले जब सॉरी ये स्पेसिफिक मामले जब जाते हैं कोर्ट पर तो वो अतिरिक्त भार पड़ता है। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनता है किसी विशेष मामला के लिए, तो सिविल सर्विस के लिए कैट बनता है, वैसे ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इन्वायरमेंट से रिलेटेड बनाया गया जिससे हाई कोर्ट का भार कम हुआ। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक और तेजी से काम करने वाली संस्था है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि अधिकरण का कोई भी सदस्य पुनः नियुक्त नहीं हो सकता या उसकी योग्य नहीं रहता, इसलिए वह बिना किसी दबाव के या भय पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने में स्वतंत्र है। इसके अलावा बात करें तो एनजीटी के सामने ये सब खूबियां होने के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। 6 जो हमने एक्ट चर्चा किए जिसके तहत एनजीटी पे अपील की जा सकती है उनमें क्या क्या नहीं शामिल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। इन मामलों के तहत एनजीटी के अधिकार क्षेत्र के बाहर ये रखा गया है। अगर इसके संबंधित कोई मामला आ रहा है तो एनजीटी की सुनवाई को इसको अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे एनजीटी का कामकाज प्रभावित होता है क्योंकि पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे इन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन से
मामलों के अंतर्गत एनजीटी सुनवाई करता है, कौन से ये बाहर है, ऑप्शन में दे सकता है। एनजीटी के कई निर्णयों को उच्च न्यायालय में धारा 226 के तहत यह कहकर चुनौती जीत जाती है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है, जबकि जो ट्रिब्यूनल है वह एक वैधानिक संस्था है। तो इस अधिनियम की सबसे बड़ी खामी यही है कि इसको जो है धारा 226 के तहत चुनौती दी जाती रही है, जिससे इसमें यह भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किन किन मुद्दों को एनजीटी सुन सकता है और न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। अगर और चुनौतियों की बात करें तो आर्थिक वृद्धि और विकास पर, यानी जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उस पर प्रभाव डालने के कारण एनजीटी के निर्णयों के समय समय पर आलोचना होती रहेगी। यानी कोई भी डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, अगर एनजीटी को लग रहा है कि वो इन्वायरमेंट से विरुद्ध है, इन्वायरमेंट फैमिली फ्रेंडली नहीं है, तो वो रोक लगा देता है। अभी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लोगों का कहना है इससे विकास बाधित होता है। मुआवजे के निर्धारण में कोई स्पष्ट विधि नहीं है एनजीटी के पास, इसी कारण उसकी आलोचना भी होती है। एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके अधीन जो भी मुकदमा आया उसका निपटारा 6 महीने के भीतर करना है, परंतु अगर मानव और वित्तीय संसाधनों के अभाव में एनजीटी ऐसा नहीं कर पाता है। एनजीटी एक न्यायिक तंत्र भी सीमित संख्या में क्षेत्रीय पीठों के कारण बहुत अधिक प्रभावित होता है। अब बात करेंगे हम लोग एनजीटी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि एनजीटी ने कौन कौन से निर्णय दिए। 2012 में ही दक्षिण कोरिया स्टील निर्माता कंपनी पॉस्को इस्पात संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ एक समझौता पत्र साइन करता है, लेकिन एनजीटी उसको निरस्त कर देता है, क्योंकि यह समझौता के कारण जो है ग्रामीण लोगों के हितों को प्रभावित हो रहा था। तो एनजीटी ने इस आदेश को स्थानीय समुदाय और जंगलों के लिए एक साहसिक कदम माना जाता है। 2012 की ही बात है, एक अन्य मामले में एनजीटी ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जो भारत में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। 2013 में उत्तराखंड के मामले में एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया कि वह सभी याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दे, जिसके कारण जो डैम बन रहा है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ये डैम है अलकनंदा नदी पर बना है, और इस निर्णय ने एनजीटी ने प्रदूषक भुगतान के लिए सिद्धांत का पालन किया, जिस सिद्धांत की चर्चा हमने आगे की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इसके अलावा सेम वन फाउंड फेडरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 2013 में एनजीटी ने एक पक्षी की आवास में, यानी एक पक्ष था उसका आवास जा रहा था, उसने एनजीटी ने 6400 करोड़ की जो पन बिजली परियोजना थी उसको निलंबित ही कर दी, यानी मानवीय हित के लिए उसने निलंबित कर दिया। कई ऐसी अन्य परियोजनाएं भी हैं जो कानून का उल्लंघन कर रही थी और वो अनुमोदित थी, जैसे अर्नामुला हवाई अड्डा है केरल में, लोअर डेमो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और अरुणाचल प्रदेश में एक न्यामजुंग है, गोवा में खनन परियोजनाएं, कई ऐसी खनन परियोजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में कोयला खनन परियोजना है। इसको एनजीटी ने निरस्त कर दिया और इसको जो है नए सिरे से आकलन करने का निर्देश दिया। तो ये एनजीटी ने कुछ भविष्य में फैसले लिए हैं। इसके अलावा बात करें, 2015 में एनजीटी ने यह आदेश दिया था कि 10 वर्षों से अधिक जो पुराने डीजल के वाहन हैं, जो दिल्ली एनसीआर में चलाने की अनुमति है ही नहीं, उनकी अनुमति रद्द कर दी गई। 2017 में दिल्ली में यमुना के खादर क्षेत्र में, यानी तराई जो नीचे वाला क्षेत्र है, उसमें आयोजित जो है एक आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसके कारण इन्वायरमेंट के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसके बाद एनजीटी ने उस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। तो ये सब निर्णय और जुर्माने एनजीटी ने लगाए। 2017 में एनजीटी ने क्या क्या, दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया। तो इस प्रकार प्लास्टिक बैग से जानवरों की मृत्यु हो रही थी और इससे पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा था। अब बात करेंगे, इतना सब अपील होने के बावजूद आज क्या प्रासंगिकता है, उसके निष्कर्ष की बात करें, तो इतना सब होने के बाद आप यह समझ ही गए होंगे कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत कम समय में एनजीटी ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत ही सराहनीय काम किया है, और इन्वायरमेंट प्रहरी के रूप में अपनी एक अलग छवि देश के सामने रखी है और पूरी दुनिया के सामने। इसके बावजूद देश में हो रही विकासी गतिविधियों के साथ तालमेल स्थापित करके इन्वायरमेंट संरक्षण हेतु क्या करना है, एनजीटी के दायरे को और अधिक विस्तृत करना है, ताकि
ताकि देश के विकास के साथ एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित किया जा सके। तो ये थी एनजीटी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।